मेरा नाम है आशीष प्रकाश और ली फॉग द्वारा रचित वेताल चलता फिरता प्रेत की आज की कहानी सुना रहा हूँ। 400 साल पहले वेताल ने एक शपथ ली थी, अपना जीवन डकैती और अत्याचार के विनाश में लगाऊंगा और मेरे बेटे और मेरे बेटों के बेटे भी यही काम करेंगे। तब से खोपड़ी का निशान वेताल की पहचान है और संसार के सभी अपराधी 4 शताब्दियों से वेताल को चलता फिरता प्रेत के निशान से परिचित है, जिसे वेताल अपनी दाहिनी मुट्ठी के प्रहार से लगाता है। अपराधी इसे देखकर समझ जाते हैं कि वेताल यहाँ आया है। वेताल के शुभ चिन्ह को कम ही लोग जानते हैं, जिसमें 4 तलवार एक दूसरे के विपरीत रखी हुई है। इसे वेताल अपनी दाहिनी मुट्ठी संकेत करता है। आज से ठीक 50 साल पहले सन 1886 में एक डॉक्टर समुद्री किनारे मछली पकड़ने जाते हैं, जहाँ दूर उसे समुद्री जहाज दिखाई देता है। उसे वर्तमान वेताल के पिता माँ को वहाँ पर देखता है। वेताल जलदस्युओं की रात पर पहुँच कर उनसे लड़ता है। जहाज के गोला बारूद को आग लगाकर विस्फोट होने से पहले पानी में कूद जाता है। डॉक्टर अपने मछुआरे नाविक को बोलता है कि तुम्हारा महाबली वेताल बुरी तरह घायल हो गया है। समुद्र में खतरनाक शार्क मछलियाँ अपने शिकार को ढूंढ रही होती है। डॉक्टर वेताल के साहस से अचंभित था और उसे बचाने का निर्णय करता है, लेकिन डूबते जहाज के पास जाना भी खतरनाक है। डॉक्टर शार्क मछलियों को वेताल से दूर रखने के लिए लगातार बंदूक चला रहा था। वेताल के पास पहुंचकर उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वेताल बहुत भारी भी था। मछुआरे नाविक की मदद से वेताल को नाव में खींच लेते हैं और डूबते जहाज से बच कर निकलते हैं, नहीं तो डूबता जहाज इन्हें भी ले डूबता। किनारे पर पहुँचते हैं। मछुआरे नाविक को पता है कि वेताल अमर है, मर नहीं सकता। डॉक्टर बहुत अचंभित है कि इतनी बुरी तरह घायल होने पर भी वेताल मरा नहीं, क्योंकि वेताल कोई मामूली आदमी नहीं है। एक दिन और पूरी रात डॉक्टर ने वेताल की देखभाल की। अब वेताल ठीक हो रहा था। सुबह वेताल उठता है। डॉक्टर अभी भी आश्चर्यचकित था कि वेताल इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। समुद्र से निकाल कर वेताल की जान बचाई थी। वेताल डॉक्टर के सीधे हाथ पर अपने बाएँ हाथ से निशान लगाता है। डॉक्टर बोलता है, ऐसा क्यों किया, इस निशान का क्या मतलब है। वेताल बताता है, वेताल की जीवन की रक्षा के लिए उसने उसकी कलाई पर यह शुभ चिन्ह लगाया है और आपको और आपके वंशजों को आजीवन वेताल का संरक्षण मिलता रहेगा। वेताल को ठीक होने में हफ्तों लग सकते थे, लेकिन वेताल उठकर जाने लगता है। डॉक्टर मना करता है कि उसे आराम की बहुत ज़रूरत है। वेताल डॉक्टर को उसको बचाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है और फिर मिलने का बोलता है। वेताल दौड़ता हुआ जंगल में चला जाता है। डॉक्टर का बड़ा ताज्जुब होता है, वेताल कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या डॉक्टर सचमुच वेताल द्वारा संरक्षित है। ली फॉग द्वारा रचित वेताल की शुभ चिन्ह भारत में अक्टूबर 1964 में इंद्रजाल कॉमिक्स का जो 8वां अंक प्रकाशित हुआ था, उसके अंदर ये कहानी जो आज का वीडियो के अंदर हमने आपको सुनाई है, दिखाई है, प्रकाशित हुई थी। आपको कैसा लगा ये सब वीडियो, जरूर इसके बारे में कमेंट करें। हमें YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार।